एक कप चाय लगा देना। हाँ जी भैया। अरे आ गई तुम, बैठ जा आराम से। ये आपकी बेटी है? जी भैया। तो ये इसका बैग ऐसा कैसे? ये बैग भैया मैंने ही बनाया है इसका। वो उसका जो पुराना वाला बैग था वो फट गया था, और नए बैग के लिए पैसे भी नहीं थे, और इसको बैग भी चाहिए था। बैग के बिना स्कूल ही नहीं जा रही थी, तो ये गत्ता मुझे सड़क पर पड़ा मिला, तो मैंने इसका बैग बना दिया। अरे तो बैग तो वैसे भी 500,000 रुपये का आ जाता है, और आप भी कमा रहे हो, आपके पति भी कमाते होंगे, तो आराम से ले सकती हो। भैया मेरे पति नहीं है, उनको पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था, और घर में सिर्फ मैं ही कमाती हूँ, और इस काम से ज़्यादा 300-400 रुपये कमा पाती हूँ। अब इसमें घर भी तो चलाना है और बच्ची को भी पढ़ाना है। आप बहुत मेहनत कर रही है वैसे, देख लेना एक दिन सब सही हो जाएगा। अच्छा कितने पैसे हो गए? 10 रुपये। ये लीजिए। उस बच्चे का बैग देखकर पंडित जी बहुत अजीब लगा। मदद करने का मन तो था, पर मेरे तो खुद ही जॉब नहीं है, पैसे ही नहीं है, कैसे करता मदद? तुम्हारे मन में मदद करने का ख्याल आया वही बहुत बड़ी बात है। आपके पास जितना है आप उतने से मदद करिए। सुनिए आपके लिए कुछ है मेरे पास, ये लीजिए। ये मेरी भतीजी के कपड़े हैं, अभी वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो ये कपड़े आपकी बेटी के आ जाएंगे आराम से। और ये उसका स्कूल बैग भी है बेटा, अब वो डब्बे वाला बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, ये बैग लेके जाना उसको। लीजिए। हमेशा याद रखना, 100 रुपये मिले तो 2 रुपये किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब चाहे वो मानव सेवा हो, साधु सेवा हो, या फिर पशु सेवा। मन में मदद का भाव आना ये बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।